अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा और एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते हो ये वाला सीजन में मैं क्लैश का रैंक में ग्रैंड मास्टर डन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो क्लैश का रैंक में ग्रैंड मास्टर जाने के टाइम बहुत सारे हिडन प्लेस मेरे को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। मतलब एवरी टाइम मेरे को वाला हिडन प्लेस से बहुत सारा किल भी मिला, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा वाला हिडन प्लेस, आप लोग भी ज़रूर यूज़ करो और एवरी मैच में भाई आप लोगों को ज़रूर किल मिलेगा ही वाला हिडन प्लेस में जाके, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखते रहना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलो बिना किसी देर के आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो भाई लोग, हम लोगों का पहला जो हिडन प्लेस आता है वो है फैक्ट्री पे। आप लोगों को फैक्ट्री वाला राउंड पे, मतलब इस साइड से आप लोगों का राउंड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सीढ़ी से ऊपर आ जाना है, यहाँ पर उठ भी क्या ले सकते हो, यहाँ पर मतलब कोई भी लॉन्ग रेंज जो गन मिलता है आप लोगों को लॉन्ग रेंज का गन लेके आप लोगों का यहाँ पर आ जाना है। बट आप लोगों के पास उठ भी क्या AC-80 होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और उसके साथ आप लोगों को मतलब यहाँ पर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में ज़रूर भाई, आप लोग यहाँ पर लॉन्ग रेंज में खेलते हो तो आप लोगों को राफेल कैरेक्टर का यूज़ करना है। उससे क्या होता है, आप लोग जैसे ही डाउन करते हो वाला एनिमी बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, मतलब एनिमी को रिवाइव देने का टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। और भाई लोग, मेरे को पता है आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर फैक्ट्री के इस साइड से होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा जो दूर से खेलता है ना, लॉन्ग रेंज पर खेलते हैं, वो लोग क्या करता है, यहाँ पर जो सीढ़ी है सीढ़ी के पास जाते हैं और वहाँ पर जाके सो के एनिमी को डैमेज देते रहते भाई। ये वाला हिडन प्लेस भी अच्छा है, बट भाई उससे अच्छा ये वाला हिडन प्लेस है, ठीक है। आप लोगों को ज़रूर भाई हर मैच में किल मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एनिमी यहाँ से जाएगा तो भाई ज़रूर किल मिलेगा। और एक चीज़, मतलब तुम्हारा टीममेट यहाँ पर आसपास फाइट करेगा तो भाई ज़रूर भाई तुम बहुत बढ़िया कवर दे सकते हो तुम्हारा टीममेट को भी और तुम खुद भी किल निकल सकते हो। तो ज़रूर आप लोग भी ये वाला हिडन प्लेस का यूज़ करो। तो भाई लोग, नेक्स्ट जो हिडन प्लेस आता है वो है यहाँ पर हैंगर पे। और उसके लिए आप लोगों को चाहिए टीममेट का थोड़ा हेल्प। टीममेट का हेल्प से आप लोगों को चले जाना है यहाँ पर इसके ऊपर और यहाँ से आप लोगों को पूरा हैंगर का व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग बहुत आसानी से एनिमी को नॉक डाउन कर सकते हो। तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बोल देते हो, ठीक है। आप लोग जब हिडन प्लेस का यूज़ करो, आप लोगों को ऐसा हिडन प्लेस का यूज़ करना चाहिए जहाँ पर जाके एटलीस्ट आप लोगों को एक किल तो मिले, ठीक है। तो एक किल भी मिलेगा तो आप लोगों का प्लस पॉइंट हो जाएगा, आप लोगों का टीममेट के लिए हेल्प हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिडन प्लेस जब मतलब कोई जगह के ऊपर चले जाते हो ना, तब तुम्हारा टीममेट का बहुत ही बढ़िया कवर होता है, ठीक है। वो लोग जब फाइट करते हैं तुम लोग दूर से बहुत ही अच्छे से कवर दे सकते हो। तो वो लोग, हम लोगों का थर्ड नंबर जो हिडन प्लेस आता है वो है यहाँ पर केप टाउन में। आप लोगों को आ जाना है ये वाला जो राउंड पे कॉर्नर का घर है, ठीक है। घर का जो सीढ़ी है सीढ़ी के ऊपर आ जाना है। यहाँ से देखो जो स्कोपिंग करके जो घर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, बोल सकते हो कि केप टाउन का एक मिडिल का घर है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइट होते हैं और यहाँ से आप लोग बहुत एनिमी को भी नॉक डाउन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग राफेल का यूज़ करोगे तो एनिमी का पता ही नहीं चलेगा भाई फायर कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत आसानी से मैं एक बंदे को नॉक डाउन कर दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये वाला राउंड में ये वाला हिडन प्लेस का यूज़ करना चाहिए। तो भाई लोग, हम लोगों का नेक्स्ट जो हिडन प्लेस आता है वो है यहाँ पर कैस्तुला में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर भाई ये वाला हिडन प्लेस का भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले यूज़ करूँगा ये वाला टायर, टायर का यूज़ करके मैं चले जाऊँगा ये वाला घर के ऊपर और फिर से नेक्स्ट ये वाला टायर के ऊपर जंप करके मैं चले जाऊँगा ये वाला घर के ऊपर। और यहाँ से आप लोग बहुत आसानी से बहुत सारे बंदे को नॉक भी कर सकते हो, टीममेट को कवर भी कर सकते हो, मतलब कवर दे भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को और एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई एनिमी पीछे से आके आप लोगों को ना मारे, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर तो आप लोगों को सामने से कवर मिल रहा है ये वाला घर के लिए, बट आप लोगों को पीछे से कोई आके मारेगा तो भाई आप लोग बहुत मतलब आसानी से मार ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब टीममेट के साथ ज़रूर अच्छे से कम्युनिकेशन रखना है कि भाई मतलब उन लोगों को बोल दो कि पीछे से कोई आएगा तो ज़रूर तुमको इन्फॉर्म कर दे कि कोई बंदा पीछे से आ रहा है, नहीं तो भाई पीछे से कोई छुप के आ जाएगा तो तुम लोगों को ऐसे ही मार देगा, ठीक है। तुम लोगों को कवर लेने का मतलब ग्लूअल बिठाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों का फिफ्थ जो हिडन प्लेस है वो है यहाँ पर केप टाउन में। तो यहाँ पर देखो मेरे सामने जो घर है, यहाँ पर मेरा टीममेट इसके ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं ग्लोअल बीटा के। आप लोग भी यहाँ पर इसके ऊपर जा सकते हो ग्लोअल बीटा के, बट यहाँ पर आप लोग केली का यूज़ करते हो तो आप लोग ग्लोअल के बिना ही इसके ऊपर जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं अभी केली का यूज़ कर रहा हूँ और ये वाला घर से एक लंबा जंप लगाना है और बहुत आसानी से मैं आ गया हूँ ये वाला घर के ऊपर। और यहाँ से मैं टीममेट को भी कवर दे सकता हूँ और बहुत एनिमी को डाउन भी कर सकता हूँ।
तो देख ही रहे हो मैं बहुत आसानी से ऊपर गया और ये वाला बंदा को डाउन भी कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखा यूज़ करते हो तो ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप लोग नॉर्मली ग्लोअल बीटा के भी इसके ऊपर जा सकते हो। तो भाई लोग हम लोगों का सिक्स जो हिडन प्लेस आता है वो है यहाँ पर कैस्तोला में। कैस्तोला का मतलब इस साइड से आप लोगों का राउंड स्टार्ट होता है, तो आप लोगों को ज़रूर भाई हिडन प्लेस का ये वाला हिडन प्लेस का यूज़ करना चाहिए। बट ये वाला हिडन प्लेस यूज़ करने वाला टाइम आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहना है, क्योंकि भाई लोग ये वाला राउंड में मतलब जहाँ पर मैं जा रहा हूँ यहाँ से मेरे को बहुत कम कवर मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर अपोजिट साइड का जो मैं हिडन प्लेस दिखाया, ठीक है, उस साइड में तो बहुत बढ़िया कवर मिलता था, ठीक है, ओनली पीछे से आके मारता था। बट यहाँ पर देखो मतलब चारों साइड ही बोल सकते हो कि खुला है, ठीक है, तो सामने से भी मार सकते हैं, पीछे से भी मतलब ऑल साइड से मार सकते हैं, ओनली थोड़ा ही कवर मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई कब एनिमी गलती करे, एनिमी जैसे ही गलती करेगा थोड़ा मतलब ओपन में आएगा और उसको तुम बहुत आसानी से मार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखा एनिमी ने मतलब मैं जिस एनिमी को मारा उसने ऐसा ही करा कि भाई कि मतलब ओपन में आ गया एकदम, ठीक है, तो उसको मैं बहुत आसानी से यहाँ पर मार दिया। तो भाई लोग मैंने तो यहाँ पर डन कर चुका हूँ क्लच का ड्रैग में ग्रैंड मास्टर। तो आप लोग भी कैसे जा सकते हो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को ज़रूर देते रहूँगा। तो इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, तो जल्दी जल्दी चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और मिलता आप लोगों के साथ और एक नए वीडियो में, तब तक सब लोग अच्छे से रहना। बाय बाय।